पीडब्ल्यूडी का ऐसे सारे 2022-23 का इसका इस्तेमाल करके हम ये एस्टिमेट बना रहे हैं। ये हमारी मेजरमेंट शीट है। मेजरमेंट शीट पे काम करने के बाद हम रेट एनालिसिस पे काम करते हैं, और अगर उस आइटम को मटेरियल लग रहा है तो मटेरियल की शीट पे काम करते हैं, उसके बाद फिर हम अब्स्ट्रैक्ट की शीट पे काम करते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट, रेट एनालिसिस, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट की शीट पे काम होता है। फिर ये जो बाकी की शीट होती है ये एक ही बार बनानी होती है, तो इस पे खुद ब खुद काम होता रहता है। तो हम एक एक चीजों को जरा सा देख लेते हैं, और आज हम थोड़ा मिक्सिंग चीजें देखेंगे और उसके बाद हम अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये कॉरी चार्ट बनाना है समझो मुझे, तो क्या करूंगा मैं, देखो ये मेरा पहले है नॉर्मल, इस पे क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल पर ही है, लेकिन जैसे ही मैंने बाजू में क्लिक किया तो इस तरीके से आ रहा है, और वापस नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ डॉटेड लाइन नजर आती है। ये पेज लेआउट है, यहाँ से हम परसेंटेज भी इसका कम कर सकते हैं। ये मार्जिन है, और कस्टम मार्जिन में जाकर हम इसे यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली अगर मैं ये निकाल दू, यहाँ पे गौर कीजिए इस तरीके से टिक कर सकते हैं। निकालने पर देखो इस तरीके से हो जाता है, और लगाने पर ये सेंटर में हो जाता है। अभी यहाँ पर ये रेट एनालिसिस है हमारा, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। ये होम टैब है, इसे कॉपी करता हूँ। ये कॉरी है, यहाँ पर एक अंदाजे से मैं क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ये जो आखिर है मेरा, यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक कर देता हूँ, जिसकी वजह से देखिए ये पेज के अंदर आ जाता है। अब मैं ये जो बी है इस पे क्लिक करता हूँ, और आखिर में मेरा कर्सर देखिए कैसा है, ऐसे थोड़ा सा इसे इस तरीके से ड्रैग किया जा सकता है, इसे इस तरीके से ड्रैग किया जा सकता है। अगर ऐसा सिलेक्शन क्लिक करें हम, ज्यादा भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डबल क्लिक करने से ये फिट हो जाता है। तो इसे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं हमारी जरूरत के मुताबिक। जैसे मुझे ये पेज के अंदर ही रहकर काम करना है तो ये ध्यान रहे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मर्ज है, ये यहाँ पे सिलेक्शन करके इसका मर्ज मैं अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूंगा इक्वल, ये रेट एनालिसिस है, इस पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा। उसके बाद देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और मेरा बॉटम पे कर्सर कैसा है, माउस का बटन प्रेस करके मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक ड्रैग कर लिया मैंने, और इसे सिलेक्ट करके ऐसा मर्ज कर देता हूँ। यहाँ तक मेरा काम हो गया। अभी यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सीरियल और नंबर टाइप किया इस तरीके से, सिर्फ बतलाने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा खुद ब खुद यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो मुझे सिर्फ यहाँ काम करना होता है, यहाँ पर खुद ब खुद वो काम हो जाता है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, तो देखिए ये जिस तरीके से है यहाँ पर, उस तरीके से ये आ जाता है। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा इक्वल करूंगा, ये रेट एनालिसिस है, इस पर क्लिक करके इंटर कर दूंगा। यहाँ क्लिक करूंगा मैं, और मेरा कर्सर देखिए बॉटम में कैसा है, बस डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर ये चीजें आ जाती है। यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल रेट एनालिसिस, यहाँ क्लिक करके एंटर करना है। यहाँ क्लिक करके आप इस तरीके से माउस का बटन ऐसा ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करना है इक्वल करेंगे, ये रेट एनालिसिस है, इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो कॉपी किया जा सकता है, और यहाँ पर सिलेक्शन करके पेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन किया जा सकता है और पेस्ट किया जा सकता है, कई तरीके से काम किया जा सकता है। ये सिलेक्शन छोड़ने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे बोल्ड करता हूँ और इसे कलर कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसा सिलेक्ट करके डबल क्लिक करने से हमको ये समझ में आता है कि हमारा पेज बरोबर है या नहीं। ये यहाँ पर देखिए रिमार्क है, रिमार्क में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा, मर्ज कॉपी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करके पेस्ट। तो इस तरीके से कॉरी चार्ट में से देखो एक पार्ट हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो A1 दिखाई देता है, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल करेंगे, और ये मेजरमेंट है, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ क्लिक करना है शिफ्ट प्रेस करके, बिल्कुल देखो ये आखिरी जो है हमारा रिमार्क का, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाता है, मर्ज करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके उसे मन चाहा बॉर्डर दिया जा सकता है। मैं टॉप और बॉटम देता हूँ, यहाँ बॉटम में प्रेस करके इस तरीके से उसे बड़ा किया जा सकता है, ये वर्टिकल काम करता है, यहाँ क्लिक किया जा सकता है, इसे बोल्ड किया जा सकता है,
जरूरत के मुताबिक साइज कम ज्यादा की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये बॉटम में बहुत ज्यादा जगह है, मुझे यहाँ पे कुछ रोज बढ़ाने, तो मैं सिलेक्शन करूंगा इंसर्ट शीट रो। इंसर्ट शीट रो इस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ वर्क आ गया है। यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट को कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ इमेज बनाना है या कुछ भी चीजें ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये लीड चार्ट आ जाता है और यहाँ पर मैं देखिए अभी यहाँ पे स्टैम्प वगैरह का कुछ भी काम नहीं किया हूँ, तो हम स्टैम्प का काम बाद में देखेंगे और यहाँ पर स्टैम्प भी ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा ही काम किया है, यहाँ पर नेम ऑफ वर्क किया है और यहाँ पर ये मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कॉरी चार्ट। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूंगा मर्ज रेक्टैंगल। इसकी साइज यहाँ से बढ़ाई जा सकती है, उसे बोल्ड किया जा सकता है, यहाँ से उसे बॉर्डर मनचाहा दिया जा सकता है। अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो सेव हो जाएगा और कंट्रोल पी करूँ और यहाँ पर एक्सपोर्ट, उसके बाद पीडीएफ। यहाँ पर मैं कॉरी टाइप कर देता हूँ और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और उसके बाद पब्लिश। तो ये पेज कैसे दिखाई देगा आपको समझ में आता है, यहाँ पर इस तरीके से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे ड्राइंग बनाई जाती है और यहाँ पे स्टैम्प होता है और यहाँ पे एक रिमार्क होता है जो हम बाद में देखने वाले हैं। तो आज हमने थोड़ा सा कॉरी चार्ट के ऊपर काम किया। अब यहाँ पर देखते हैं ये मेजरमेंट शीट है हमारा, यहाँ पर एक बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर देखो आखिरी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद पहले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर डॉटेड लाइन आ जाती है। कई तरीके हैं डॉटेड लाइन लाने के। यहाँ पर हमारा ये 5 नंबर तक आइटम कंप्लीट है। फिर हम रेट एनालिसिस देखते हैं। रेट एनालिसिस में देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर डॉटेड लाइन आ चुकी है। यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे ये 5 आइटम रेडी हैं। ये मटेरियल की शीट है हमारी, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखिए दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर मेरे पास देखिए 4 नंबर तक रेडी है। ये जो 5वां नंबर था मेरा, इसे मटेरियल हमें नहीं लेना है इसलिए हमने इसे काम नहीं किया है। आज हम दूसरा थोड़ा सा इसके और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज करता हूँ और इसे टॉप पे कर देता हूँ। ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे मर्ज और इसे टॉप पर कर देते हैं। ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं और इसे टॉप पे कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं जहाँ तक हमारा ये पेज है और इसे टॉप पे कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसे बोल्ड कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके मटेरियल कंपोनेंट टाइप कर देते हैं क्योंकि ये मटेरियल की शीट है। सिर्फ वो मटेरियल भी टाइप किया तो चलने वाला है और कंपोनेंट किया तो भी चलना है। बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेरा कर्सर देखिए कैसा है, ऐसे ड्रैग करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है जहां तक हमारा ये पेज है, आगे करेंगे तो गलती हो जाएगी। ये मर्ज है, ये रैप टैक्स है, यहाँ से इसकी साइज बढ़ाई जा सकती है, इसे बोल्ड किया जा सकता है, इसे बॉर्डर दिया जा सकता है। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखाई देता है। ये हमारा आइटम नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक हमारा ये पेज का बॉर्डर है, इसे ऑल बॉर्डर दे देते हैं और इसे बोल्ड भी किया जा सकता है या फिर आप जैसा चाहे वैसा भी रख सकते हैं। ये जो है ये मटेरियल है तो यहाँ मटेरियल टाइप कर देंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये मटेरियल की क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी टाइप कर देंगे और यहाँ पर यूनिट है तो यूनिट टाइप कर देंगे। इस तरीके से देखिए ये पेज के अंदर रहना जरूरी है, आप अगर चेंज करना चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं लेकिन ये पेज के अंदर रहना जरूरी है। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल एस करने से सेव हो जाता है। यहाँ एक्सपोर्ट है,
यहाँ पर पीडीएफ है, मैं यहाँ पे मटेरियल टाइप कर देता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ये पब्लिश कर देते हैं। आपको काम करने के बाद इसका पीडीएफ देख लेना होता है और साथ ही साथ प्रिंट अगर कर सकते हैं तो प्रिंट देख लेना होता है कि ये शीट किस तरीके से दिखाई देंगी। तो हमने इससे पहले थोड़ा सा कॉरी में काम किया, मटेरियल की शीट में थोड़ा काम किया, अब हम आते हैं मेजरमेंट शीट में। मेजरमेंट शीट में मुझे एक आइटम ऐड करना है जिसे रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी का आइटम कैसे चेंज ऐड करते हैं देख लेते हैं। आप कोई भी आइटम कॉपी कर सकते हैं, रॉयल्टी के लिए कोई भी आइटम कॉपी कर सकते हैं, या अगर आप बगैर कॉपी किए भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ आइटम नंबर एक को और यहाँ पर देखिए क्लिक करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूंगा इक्वल और यहाँ पे क्लिक करके प्लस वन करके एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मुझे टाइप करना है रॉयल्टी चार्जेस। रॉयल्टी चार्जेस टाइप करने के बाद मैं इस पर क्लिक करके इसे बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करूंगा मैं और ये जो नंबर है एसएसआर का उसे निकाल दूंगा, क्योंकि इसका नंबर नहीं है तो ये निकाल दिया मैंने। अब मुझे कुछ रो बढ़ाना है तो मैं यहाँ ऐसा सिलेक्शन कर सकता हूँ और इंसर्ट शीट रो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एसएसआर है, एसएसआर में यहाँ पर टेस्टिंग के रिलेशन से है और यहाँ पर मेरे आइटम के रिलेशन से है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, चाहे इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं अनहाइड कर सकता हूँ और अनहाइड में देखो मुझे जनरल नोट चाहिए। तो अगर नीचे ऊपर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं, यहाँ पर ये जनरल नोट है, यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये पहले जनरल नोट में ये ए है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ और नेविगेशन जो एरोज है मेरे, ये मैं डाउन एरोज को क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, तो देखो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो ऐसा धीरे धीरे आप क्लिक करके नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर का पॉइंट है और ये 6 नंबर का पॉइंट है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये जो ए है मेरा ए सैंड के लिए, उसे सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये देखो इस तरीके से बरोबर हो जाता है। यहाँ पर मैं क्लिक करके सैंड टाइप करूंगा, SANDसैंड, और टैब की का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यहाँ आखिर मैं इक्वल करूंगा, ये मटेरियल की शीट है हमारी और देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है सेंड की है, इस पर क्लिक करके मैं एंटर कर दूंगा। आप इसे राउंड टू भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ क्लिक करके ऑटो सम पर क्लिक करके एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मैं बोल्ड कर सकता हूँ और इसे बॉर्डर भी दे सकता हूँ तो बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं ए टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं ए टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर इक्वल किया जा सकता है इस तरीके से। देखिए अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो ये क्वांटिटी मेरे पास आ गई है। आप इसे राउंड टू भी लगा सकते हैं। अब मैं ये यहाँ पर देखो कुछ रो और चाहिए तो यहाँ सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट करता हूँ, ये रो सिलेक्शन हो गए मेरे। ये दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये एसएसआर है मेरे पास और यहाँ डबल क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ बी को, कंट्रोल सी करेंगे और ये मेरा एस्टीमेट है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो ये ए है और ये बी है, इसे भी बी कर देते हैं, डबल क्लिक करके इसे बी कर देते हैं, ये बी कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ कुछ रो की जरूरत है तो मैं सिलेक्शन करूंगा और इंसर्ट शीट रो करूंगा। अब मेरी मटेरियल की शीट है यहाँ पर, पहले मेरा ओवर साइज है तो मैं यहाँ टाइप करूंगा ओवर साइज। ओवर साइज जो मेटल है उसमें 40 आ सकता है, 60 भी आ सकता है और 80 भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से। तो चेक करने वाले को आसानी से समझ जाएगा कि ऑल अदर मटेरियल में जो पहला है वो ओवर साइज मेटल है। यहाँ पर मैं इक्वल करूंगा और ये मटेरियल की शीट है और इस पर क्लिक करके मैं एंटर कर दूंगा। तो जिस तरीके से मैंने सैंड को लाया था तो ये सैंड मेरा आ चुका है, इसी तरीके से ये भी आ चुका है। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं,
यहाँ पे रबल और सोलिंग का है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रबल ऑब्लिक सोलिंग, और टैब की का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, या फिर यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। इक्वल करूंगा मैं, ये मटेरियल की शीट है, ये रबल है, इस पर क्लिक करके इंटर कर दूंगा। चेक करने वाला आसानी से समझ जाएगा कि इस एस्टिमेट में रबल जीरो है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पे मुरूम है, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा मुरूम, और यहाँ पर मैं इक्वल करूंगा, ये मटेरियल की शीट है, और मुरूम पे क्लिक करूंगा, इंटर कर दूंगा। अब मुझे ये बहुत ज्यादा रो यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे डबल क्लिक करके, तो ये एक ही क्वांटिटी है जो कि सैंड है, तो यहाँ से मैच करना बहुत जरूरी है, ये क्वांटिटी बहुत जरूरी है। और यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो ये तीनों की टोटल है जो कि 1, 2, 3। इस एस्टिमेट में सिर्फ मुझे ओवर साइज लग रहा है, रबल और मुरुम नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग का एस्टिमेट कर रहे हैं या और कोई एस्टिमेट कर रहे हैं तो इसमें ये सब चीजें भी लग सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये सिलेक्शन करके निकाल देते हैं। चेक करने वाले के लिए आसानी है, सैंड इतना है और ऑल अदर मिनरल्स इतना है। अब मैं यहाँ इक्वल करूंगा, इस पर क्लिक करके एंटर कर दूंगा, इक्वल करूंगा, इस पर क्लिक करके एंटर कर दूंगा। यहां से लेकर यहां तक सिलेक्शन करके आप जैसा चाहे वैसा उसे अलाइन कर सकते हैं, मैंने राइट में कर दिया। यहाँ पर इक्वल टाइप कर सकते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये टोटल आ जाती है। ये दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल तक लाया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो ये निकाल देंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे, बिल्कुल ए के सामने यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे, और बी के सामने यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे। और यहाँ पर ये दोनों की टोटल लेना है मुझे, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे ये नंबर दिखाई देता है 52, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इसे 52 कर दूंगा। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ ये नजर आता है। तो हमें ये समझ में आता है कि सैंड की क्वांटिटी इतनी है, ऑल अदर मिनरल की क्वांटिटी इतनी है, और दोनों को अगर मिलाया जाए तो उसकी क्वांटिटी इतनी है। आने वाले वीडियो में हम ये रॉयल्टी को एब्स्ट्रैक्ट शीट में कैसे ले जाते हैं वो देखेंगे। आज की वीडियो में हमने, या आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हमें इतना ही देखना था, तो हमने रॉयल्टी के ताल्लुक से देखा है। आज हमने थोड़ा सा क्वालिटी में काम किया, कल और काम करेंगे। आज थोड़ा सा मटेरियल में काम किया है हमने, और मेजरमेंट शीट में रॉयल्टी के ऊपर काम किया है। अब आप अनम्यूट कर लीजिए और मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो है मेरा SSR है। इस SSR में कोई भी टैब है आपके पास, अगर उस टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, हाइड और अनहाइड। जैसे आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी चीजें वो सब दिखाई देंगी, जो चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे आप। फर्ज करो मैंने इस पे क्लिक किया और ओके किया, तो वो चीज यहाँ पे ओपन हो जाती है। अगर मुझे ये बंद करना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और हेड पे क्लिक कर दूंगा, तो वो छुप जाती है। तो मुझे ये चीजें बार बार नहीं लगती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं राइट क्लिक करूंगा और हेड कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा और हेड कर दूंगा, तो मुझे काम करने में आसानी होती है। अगला सवाल पूछिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम कुछ बातचीत करते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, अगर कुछ टेक्निकल गलती हो जाए तो वो हम आने वाले वीडियो में दुरुस्त करेंगे।